सुना नहीं हूं। तो लौट करके आया और संत से कहा कि महाराज आज हमें बहुत कष्ट हुआ है, लोग हमारे गरीबत की मजाक उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन हमें कभी कष्ट नहीं हुआ। लेकिन एक संत मजाक उड़ाए ये अच्छा नहीं, क्या बात है। बोले महाराज आपने जो बटिया दी थी उसे कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, किसमें लगाई थी? चिमटा में लगाई थी। बोले चिमटा लौट लौट के देखा और देखने के बाद कहा बेटा एक बाल्टी पानी ले आएगा? बोले हाँ, एक जूना भी ले आया और चूना से पानी डाल डाल के उस चिमटा को रगड़वाया, चमक चमक और जब वो चमकने लगा बोले अब छुआ छुआ। जय भगवान, क्या बन गया? सोना। क्यों अभी तक तो नहीं बना था, उसमें काई चली हुई थी। क्या लगी हुई थी? काई। बस यही हालत हमारी है, हमारे आप ऊपर भी इतनी काई चढ़ गई है कि इस कथा का असर नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह द्वेष पाखंड बीड़ी तमाकू गांजा शराब इसमें जाने क्या क्या काई चढ़ा रखी है, जिसके कारण से इस कथा का असर हमारे ऊपर नहीं है। हो सकता है इन बातों से आपके ऊपर कुछ असर पड़े और कुछ काई हटे। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि कथा के लिए एक चीज की बहुत आवश्यकता है, वो है मन। मन नहीं लगेगा तो कथा आपके समझ में आने वाली बिल्कुल नहीं। मन और मन का अपना कोई रूप नहीं होता है। हम आप जो संकल्प विकल्प करते हैं उसी का जो ढेर है उसका नाम है मन। लेकिन है बहुत कुछ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य ही को, मन ही मनुष्य को बंधन में डालता है और मन ही मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। और मन यहां बैठने वाला है, इस हॉल में बैठेगा मन, इतना चंचल मन। अगर उस मन को बिठालना है तो कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा कहते हैं कि मन की चंचलता कितनी है, 1,65,000 किलोमीटर की रफ्तार है। किसकी? मन की नहीं, बिजली की। ये जो तारों में बिजली दौड़ी, एक सेकेंड में 1,65,000 किलोमीटर की रफ्तार तय करती है एक सेकेंड। और इससे तेज कौन चलता है? भगवान विष्णु का वाहन, जिसका नाम क्या है बोलो? चक्र सुदर्शन। वाहन है क्या? वाहन है कौन? गरुड़। अच्छे, इसका मतलब अब बड़े शुद्ध हो गए हो। तो उससे तेज बिजली से तेज कौन चलता है? बोले गरुड़ महाराज। और गरुड़ से तेज कौन चलता है? भगवान का चक्र सुदर्शन। और चक्र सुदर्शन से तेज कौन चलता है? पवन सुत हनुमान। और पवन सुत हनुमान से तेज कौन चलता है? राम का बाण। और राम का बाण से तेज कौन चलता है? सुमित जी, राम के बाण से कौन तेज चलता है? अरे वाह, क्या कहना है, अमेरिका में हो गए इसीलिए। सबसे तेज कौन है? बोले मन। अब बताओ इतनी चार्ज इसकी है, कैसे बैठे? तो उसको बैठाने की पहले कोशिश की जाए, पर कथा में बढ़ा जाए। आइए, क्या करना है कि पानी में नाव रहे तो रहे,
नाव कहां चलेगी? पानी में कि रेत पे? आपने कभी रेत पर चलता हुआ जहाज देखा है? रेत पर चलता हुआ जहाज किसी ने नहीं देखा, तो यहां देख लेना यहां है। और वो हमको तो कोई सिखाता है कि होश में हो जाओ। है क्या लिखा है उसमें? वो जानते कौन सा है जहाज जो रेत पर चल रहा है? मैंने कल चल से देखा था उसको चलते हुए। भजन बिनु हुई हो ऊंट बने, भजन बिनु हुई हो रेत का जहाज। रेगिस्तान में ही तो ज्यादा वो चलते हैं ना, वहां के जहाज कहे जाते हैं। लेकिन ये क्यों हुए हैं? इन्होंने वजन नहीं किया और इसलिए ऊंट हो गए। तो अगर ऊंट बनना है तो फिर वजन मत करना राजकुमार, और वजन करना है ऊंट नहीं बनना है तो फिर वजन करना पड़ेगा। तो देखे मन को कैसे कब्जे में किया जाए। पानी में नाव रहे तो रहे, पर नाव में पानी न भरे दो। करने के लिए एक ही उपाय है कि संसार को थोड़ी देर के लिए मन से निकालना। जैसे मान लो घर में कोई परेशानी है, अब हम लोग तो द्वारिकापुरी में बैठे हैं, क्यों क्या हम परेशानी दूर कर सकते हैं? न वहां जा सकते थे जल्दी है, तो क्यों नहीं विचार करके थोड़ी देर के लिए घर को मन से बाहर करना है। दोनों काम बन जाएंगे, वहां का भी बनेगा और यहाँ का भी बनेगा, परमात्मा कृपा करेगा। अब आइए आपको ले चलते हैं कथा में। सभी लोग ये श्लोक दोहराएंगे, पहले मैं बोलता हूं आप साथ में बोलते बोलिए, बाद में बोलिए।
सच्चिदानंद रूपाय। अब तो चौथी कथा है, सबको लगभग याद होगा ये श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। उस परमात्मा की कितनी कृपा है कि उसने हम सबको अपने धाम में बुला लिया। बहुत अच्छा लगा। राजेंद्र आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और सीमा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले भगवान कृष्ण को भागवत जी में प्रणाम किया गया है। दूसरे श्लोक में सुखदेव भगवान को प्रणाम किया गया है। यम प्रव्रजन मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिरीदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुष्मि। नार व्यवहार के सहित भगवान सुखदेव जी चल दिए, और पीछे पीछे व्यास जी चिल्ला रहे हैं, अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ। तरवो तब वृक्षों ने कहा, कैसे तुम संत हो, मैं हजारों फल हर वर्ष लोगों को बांटता हूं देता हूं, और तुम एक फल दुनिया वालों को नहीं दे सकते हो। ये सुनकर के व्यास जी वापस लौट गए, और सुखदेव भगवान तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश कर जाते हैं। सुखदेव जी का जीवन चरित्र बड़ा विचित्र है। कई तरीके से कथाएं हैं सुखदेव भगवान की। देवी बात में कुछ और है, और कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण से इनके जीवन वृत्त की जो चर्चा है वो अलग अलग लग गई। उसके बाद हमें कथा ये कहां से प्रारंभ होती है, नई मिसाल से। निमि कहते हैं चक्र को, अरण्य कहते हैं जंगल को। जिस जंगल में वो चक्र गिरा, इसलिए इसका नाम पड़ गया नैमी सारण चक्र तीर्थ। स्नान किए हैं राजेंद्र, गए हो नहीं गए हो? अजी उसमें अभी नैमी सारण कथा में आपको नहीं याद? नहीं गया तो ठीक ही रहा, वो तो वहां टीका राम और जो भगवान थे तो फिर भोजन पानी मिला, वरना तो कतई कतई पुष्पंड हो, क्या अंग्रेजी में कहते पुष्पंड, क्या पुष्पंड हो रही थी, पोस्टपोन्ड, हमको अंग्रेजी नहीं आती, उसमें क्या कर। तो देखिए नैमि सारण में चक्र तीर्थ, जीवन में अगर समय मिले तो एक बार स्नान जरूर करना। अगर 84 लाख योनियों में भटकने की आपकी इच्छा नहीं है तो चक्र तीर्थ में स्नान करना। एक बात और आपको बता दूं, सभी तीर्थ आप करें, अगर चक्र तीर्थ को में स्नान नहीं किया, मन नहीं मिशाने आप नहीं गए हैं, तो आपके सभी तीर्थों का फल तब तक आपको नहीं मिलेगा पूरा जब तक आप नहीं मिशाने नहीं गए, क्योंकि आदि सबसे पहला सबसे पहला। तो देखिए वहां पर 88,000 महात्माओं का एकत्रीकरण हुआ है, एकत्र हुए हैं सब। सूत जी महाराज पधारते हैं, सौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि महाराज यह घोरे कलौ प्राप्त जीवस्या असुरता गता। आगे चल के कलयुग आ रहा है, सभी जीव निशाचर हो जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे। निशाचरों के पैर हाथ ज्यादा नहीं होते हैं, उनका स्वभाव स्वभाव से ही राक्षस देवता मनुष्य बनते हैं। तो देखिए
राक्षसों का स्वभाव क्या है? वैसे तो संस्कृत में निशायाम चरती तिशा निशाचरा, जो रात में चले फिरे वो निशाचर है, लेकिन ये थोड़ा बात जमती नहीं है। वैसे तो बिना काम के घूमना ठीक नहीं है, रात में काम है तो दूसरी बात। और रामायण कहती है कि मानन मातु पिता गुरु। पहले है मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव, फिर आचार्य देवो भव, उसके बाद भगवान देवो भव का नंबर आता है। हम भगवान की तो मंदिर में जाकर घंटी हिला रहे हैं और माता पिता को लठिया रहे हैं, डंडिया रहे हैं, गरिया रहे हैं, तो ये पूजा ठीक है। भगवान कहते हैं सबसे बड़ी है पदवी माता की, दूसरी पदवी है पिता की, और उसके बाद में उनमें भी सबसे बड़ी पदवी है गुरुदेव। गुरु किसकी? गुरु माने जानते हो, कई बार मैंने आपको बताया भी है। गुरु कहते हैं किसको कहते हैं? अरे वाह गजानन, इसीलिए मैंने कहा है, गुरु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। अंधकार से हमको प्रकाश मिले जाए उसका नाम है गुरु। एक इसका दूसरा भी अर्थ है, गु कहते हैं भ्रम को और रू कहते हैं निवारण। शिष्य किसी बात के भ्रम में पड़ जाए और गुरु उसका निवारण करे, उसको उस भ्रम से बाहर ले जाए, उसका नाम है गुरु। लेकिन आजकल बड़ी समस्या है, लोभी गुरु लालची चेला और नरकम परिगो ठेलम ठेला। गुरुआ खड़े बाजार मा हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ लेकिन हमें रुपया। ये भगवान कि तुम लोगों ने सब गड़बड़ किया है, सेठ को हाँ जी बुरा मत मानना, बिना समझे। देखो दान करना बहुत अच्छा है, लेकिन दान करने का मतलब अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, वो नहीं ना। देखो हम तुम्हें एक श्लोक सुनाएं, बहुत बढ़िया दान। क्या लिखा है? धूम्र धूम्रपान रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नराः, दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्रामशूकराः। पद्म पुराण का श्लोक, इसमें बताया गया है कि अगर ब्राह्मण बीड़ी पीता है, तमाकू खाता है, ब्राह्मण का मतलब जिसको हम दान दे रहे हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, गांजा पीता है, भांग पीता है, शराब पीता है, कोई भी नशा करता है, और अगर हमने उसको दान दिया तो दातारम नरकम यान्ति, ये हम ही बोल रहे हैं, पद प्राण बोला जय भगवान। दातारम नरकम यान्ति, दातार माने देने वाला, नरक को सीधे जाता है, और लेने वाला जो ले रहा है दान वो
ब्राह्मणों ग्राम सूत्रा, उस लेने वाले को दूसरे जन्म में गांव का सुवर ही बनना पड़ेगा। सियावर रामचंद्र की देने लेने में बहुत होशियारी बरतो दोस्तों, मदद कर दिए अलग बात, दया करना अलग है, मदद करना अलग है, लेकिन दान करना। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा दान कैसे किया जाए, तो भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर धर्मराज, किसी मटकी में आप पानी भरिए और उसमें हो जाए छेद, रुकेगा क्यों भाई? मटकी में अगर छेद है तो पानी रुकेगा? नहीं रुकेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति दान देने के मामले में होशियारी नहीं करते हैं उसका दान नरक को ले जाएगा, नरक या नरक। मदद करिए लेकिन दान देने के टाइम पर विचार करिए कोई तंबाकू बीड़ी गांजा भांग शराब ये तो नहीं है, ये पद्म पुराण कहता है। और हम लोगों की यही गलती है, हम लोग देते तो खूब है लेकिन हमारा पैसा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, बस ये सब गड़बड़ हो रहा है। तो देखो पहली है मां, दूसरा है बापू पिताजी, आज के हिसाब से डैड, पहले डैडी थे वो हो गए डैड, डैड माने कहां पर लिखा डैड 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 माने मर गए, डैड माने आज वो स्पेलिंग है। अब भैया सुमित तुमसे तो हम जीतेंगे नहीं, तुम तो अमेरिका वाले हो, लेकिन भैया हमारी समझ में तो यही आता डैड डैड बॉडी, लोग कहते डैड बॉडी डैड बॉडी है कहते नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो पहले है माता नंबर, दूसरा पिता का, तीसरा किसका नंबर है? गुरु का। अच्छी ये कौन बोला? अरे वाह, हम समझे चेतना बोली। तो देखिए चार की पर श्रद्धा हो जाए, माता पर हो जाए, पिता पर हो जाए, गुरु पर हो जाए और भगवान पर हो जाए, तो हमारा अकल्याण दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। मंदिर में क्या मिलता है हम लोगों को, कभी विचार किया? क्यों भगवान तो हमारे घर में भी बैठे हुए हैं, मंदिर में क्या मिलता है? मंदिर में पूजा क्यों की जाती है? मंदिर में जाकर के ही क्यों पूजा की जाती है? इस पर कभी विचार किया नहीं किया? बताओ बताओ। अच्छे देखो इंसानियत इंसान को, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यों ही नहीं जाते, लोग यों ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, क्यों जाते हैं? आस्था आस्था पत्थर को भगवान बना देती, पूजा नहीं करने देते, इसलिए हम मंदिर जाते हैं पूजा करने। वो पांच बातें कौन है?
रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इनका नाम है विषय। ये पांच विषय हमको घर में पूजा नहीं करने देते, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। और मंदिर में क्या होता है, इन पांचों शत्रुओं का वध होता है। ये पांचों शत्रु मरते हैं जिसके कारण हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं। पांच विषय बहुत भयानक है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। आप मंदिर में जाइए और जो ही आप मंदिर में पहुंचेंगे तो रूप का विषय किसका है, आंखों का। आंखें हमारी आपकी लाय माय करती हैं, मंदिर में जाकर के भी आंखें लाय माय करती हैं। इधर देखा उधर देखा उधर झांका उधर झांका, पुजारी ने देखा कि इसकी आंखें अभी ठिकाने नहीं, इसकी आंखें ठिकाने लगा। तो उन्होंने हमारे बिहारी जी की झांकी बाकी खोल, और जब बिहारी जी को हमने देखा, अजी सत्य बताना, जब बिहारी दर्शन करने जाते हो थोड़ी देर के लिए अपने को भूल जाते हो, नहीं भूल जाते हो, अपने को आदमी भूल जाता है, अपने को, और अपने को भूल जाए बस यही पूजा, अपने को भूल जाए। लोग पूजा में भी गड़बड़ करते हैं। एक राजा से एक संत मिलने गया, संत ने कहा उस दरबार से द्वारपाल से कि राजा से कहना कि आपसे मिलने के लिए एक संत जी आए हैं। राजा पूजा पर बैठा हुआ था, उसने उसे कह दिया कि जाओ संत जी से बिठा लो और कह देना कि अभी मैं पूजा कर रहा हूं। तो बिचारे लौट के आया और कहा कि महाराज आप बैठे और राजा साहब पूजा कर रहे हैं। बोले राजा पूजा कर रहा है, वो तो हाथी के लिए चारा कटवा रहा है कि जल्दी ये पूजा निकले तो मैं हाथी को चारा कटवा के डलवा। उसने जाके भाग के कहा महाराज वो संत जी दरवाजे पर आए, वो कहते हैं कि वो राजा हाथी के लिए चारा कटवा रहा है। जो इतना सुना सो राजा भागा, दरवाजे पर आए वहां कोई नहीं। ये परमात्मा कृपा है, अगर पूजा करोगे तो परमात्मा कैसे भी पूजा करो लेकिन एक दिन परमात्मा कृपा हम आपको जरूर मिलेगी। राजा सुधर गया। तो ये जो आंखें हैं ये हमको आपको पूजा नहीं करने देती घर में, इसलिए हम मंदिर जाते हैं और भगवान की झांकी बांकी देख करके हमारी आंखें तप्त हो जाती है। रूप का विषय, और रूप का विषय कितना खतरनाक होता है। ये जो पतिंगा है ना गजानन जी, पतिंगा जो है इसको कुछ खाने को मिलता है में, लेकिन दीपक जलाइए कहीं भी पतिंगा होगा आकर के दीपक में जल जाता है। आग में कुछ मिलता नहीं कुछ है, लेकिन उसमें रूप का विषय है जिसके कारण पतिंगा आकर के अग्नि में जलता है। यही हमें तुम्हें कभी काम आप कहां से प्रवेश करता है, आंख से। इसलिए सबसे पहले आंख सुधरे तो पूजा में बन जाए। अब देखिए नंबर दो रस, रस माने जीवा, जल्दी पूजा समाप्त हो जाए, जल्दी पाठ समाप्त हो जाए, जल्दी माला पूरी हो जाए, चाय तैयार है जल्दी पियूं। रस जीवा ये रस चाहती, इसे कोई मतलब नहीं है, इसे चाहिए रस, रसना, इसका नाम ही रसना। और आप जानते हो रसना कितनी खराब होती है। ये मछली पकड़ने वाले कटिया में जरा सा गेसा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, गेसा, और गेसा लगा करके वो पानी में डाल देते हैं जरा सा गेसा, और इतनी बड़ी मछली आकर के कटिया में फंस जाती है और अपने प्राण दे देती है। यही हाल हमारा तो अब मंदिर में जाने से क्या हुआ, जब हम आप मंदिर पहुंचे पुजारी ने देखा आंखें तो इसकी ठीक है लेकिन ये इसकी जीवा भी लपकता रही है, ये नहीं मान रही है, तो खटाक से भगवान का चरणामृत उसने तुम्हारे हाथ पर रख दिया, मतलब पीजिए। और आप देखा होगा उसमें गंगा जल होता है, शक्कर पड़ी होती है, तुलसी दल पड़े होते हैं, थोड़ा दूध पड़ा होता है, घी भी डाल देते हैं, पंचामृत बन गया। और वो पंचामृत
जब आप थोड़ा सा पीजिए तो ऐसा लगता है कि पूरा शरीर तृप्त हो गया। कितनी भी रबड़ी खाइए, कलाकंद खाइए, लेकिन वो जो झरना आपने उतना पिया है, एक एक संपत्ति केवल उससे आपको तृप्ति मिलेगी। तो जीव आपकी वासना रूप रस गंध, गंध का विषय होता है नाक, सूंघती है, इसे और मतलब नहीं, न देखना है न कुछ बोलना है, इसे केवल सूंघना है। गंध का विषय इसको चाहिए, और गंध का विषय इतना खतरनाक होता है, एक भौरा सायंकाल के समय एक कमल में बैठा हुआ था, और आपने देखा होगा सूर्यास्त होगा तो कमल बंद हो जाता है, और जब कमल बंद हो गया तो भौरा उसके अंदर बंद हो गया। भौरा चाहे तो कमल की पंखुड़ी को काट सकता है, लकड़ी काट देता है भौरा, लेकिन उस पंखुड़ी को नहीं काटता है। क्यों? विचार करता है, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेशति हसिष्यति पंकजश्री, इत्यं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गजगोचार। हिंदी में भी इसका उल्टा किया है किसी कवि ने, पंकज कोश में भंग फसो अरु करत रहो मन में मन सुबा, होवेगा प्रात उबे ये दिवाकर, जाऊंगा धाम परागल धुवा, ताबिच करणी कछु और भई, प्रभु कृत खेलत है ज अजूबा, आई गयंद चबाई गयो रहिगा मन का मन में मन सुबा। गंध का विषय जैसे भौरा ने अपने प्राण गवा दिए केवल गंध के कारण से, ऐसे ही हमारी आपकी भी दशा है। इत्र फुलेर पे बहुत जाता मन है, तो भगवान के दरबार में जब तुम पहुंचे तो पहले तो भगवान की मूर्ति का दर्शन हुआ, रसना शांत हुई, अब गंध का नंबर आया तो बढ़िया सी धूप बत्ती जला करके, ऐसा कहते हैं अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उसमें बांस लगा होता है, और हमारे यहाँ पर पार्टी है बांस को न जलाया जाए, तो इसलिए धूप बत्ती का नाम लिया मैंने, बढ़िया सी धूप बत्ती पुजारी ने जला करके लगाई, और उसकी सुगंध ही नाक में पहुंची, नाक को कुछ अच्छा सुगंधित चाहिए था, बस। अब तीन विषय खत्म हो गए, रूप रस गंध, अब आया स्पर्श जो सबसे खतरनाक है, किसमें जिसमें ज्यादा होता है, हाथी में। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, भागवत के 11वें स्कंद में सब आया है, वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो जब तक वहां पहुंचते हैं ना तब तक ये सब छूट जाते हैं, इसलिए मैं बता देता हूं। कहां कहां कभी कथा में कहा, ये नहीं कहा, वहां आते 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 फिर तो भ्रमण पड़ती जल्दी जल्दी पड़ती है कि अब कथा समापन करना है। तो देखिए हाथी को पकड़ने वाले, इतना विशाल हाथी कैसे पकड़ में आता है, हाथी के पकड़ने वाले कूबा खोदते हैं, हल्की लकड़ियों से उसे पाट देते हैं, और एक कागज की हथरी बना करके उस पर खड़ी कर देते हैं, और जिस समय बंदोबस्त हाथी उस हथरी को देख करके आक्रमण करता है तो ऊभे में गिर गया, और धीरे 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 उसे पकड़ लिया, अपने बस में कर लेते हैं, एक नहीं ये हाल है। तो आप पुजारी ने देखा कि इसकी जो त्वचा है ये कुछ स्पर्श करना चाहती है, इसे खाना नहीं, इसे देखना नहीं, इसे सूंघना नहीं, इसे छूना है। तो पुजारी ने कहा जरा भगवान के चरणों में दंडवत कर, जो आपने दंडवत की भगवान के चरणों में लंबे लंबे हुए, और जो मस्तक भगवान के चरणों में गया तो हमारी आपकी त्वचा मानी स्पर्श का विषय समाप्त। अब कौन सा बचा, एक अभी बचा जिसका क्या नाम है, शब्द, ये भी बहुत खतरनाक है। हाँ जानते हो इसके कारण से एक जीव की हत्या होती है, वो कौन है, बोले हिरण। एक बहेलिया अपने धनुष बाण को लेकर के और वीणा लेकर के पहुंचा बन बन, और इसने अपनी वीणा बजाना शुरू किया, और वीणा की आवाज सुनकर के हिरण आया, सुनने लगा तन्मय होकर के, तो इसने उठा करके धनुष बाण और उसके बाण मार दिया।
जब उसके छाती में बाण लग गया तो हिरण कहता है, ए भेलिया तूने मुझे मार दिया, मुझे कोई कष्ट नहीं, लेकिन हमारी बात सुन, चर्म को हमारे मृग छाला बनबई तुम, कोई चीज हमारी बेकार नहीं है, हमारा तुम्हारा कोई ऐसा शरीर नहीं जो काम में आवे, लेकिन जानवरों का देखिए, हिरण कहता है चर्म को हमारे मृग छाला बनबई तुम, रखियो चाहे पास चाहे संत को कहाय दियो, हड्डी को हमारी हड्डी को हमारी खड्डी में मिलवइयो बधिक, और निकरई जो मांस परिवार वालों को खिलाए दियो, बाण एक मारो और प्राण हूं सिधारो चहत, लेकिन बढ़ती बार बधिक ने पीना तो सुनाए दियो, हमें मरने का दुख नहीं, बस मरने के टाइम पर पीना सुना था, ये हमारे पास जो कान है ना, ये कुछ सुनना चाहते हैं, यहां बैठे हो और अभी यहां से कोई बढ़िया सी धुन बजने लगे, बढ़िया धुन समझ रहे हो भाई, कौवा काटे तीतर काटे वाली, तो अभी कथा भूल जाओगे, कान देवता पहुंच जाएंगे, तो जब जब मंदिर में जाते हो तो क्या होता है, पुजारी ने देखा कि इसके आंख और नाक और जूहा और त्वचा ये चार तो ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी कान ये बाहर लगे हैं, तो पुजारी ने क्या किया, उठाई आरती और घंटा घड़ियाल बजाना शुरू कर दिया, आरती होने लगी, अब चाहे बाहर कौवा काटे या तीतर काटे, तुम मंदिर में आनंद ले रहे हो आरती का, तो ये पांच शत्रुओं को मारने के लिए सबसे बढ़िया जगह है कौन, मंदिर, इसलिए हम जाते हैं मंदिर, बात समझ में आ गई, तो दो बार बोलना पड़ेगा, राधे 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 भगवान की। अब देखिए कथा कहां से हमने सुनाई शुरू की है, नई विशारणी से, एक दिन नारद जी सभी लोगों में भ्रमण करते हुए और वृंदावन पधारते हैं, वृंदावन में इन्होंने क्या देखा कि एक बड़ी सुंदर युवा स्त्री दो बुजुर्गों की सेवा कर रही है, दो बूढ़ों की सेवा कर रही है, और उस स्त्री की जो बूढ़ों की सेवा कर रही है उसकी हजारों स्त्रियां सेवा कर रही है, कहीं मजमा लगा हो तो थोड़ी देर के लिए मन करता है भाई देखे इसमें क्या है, तो नारद जी भी बहक गए, नारद जी मजमा देखने पहुंचे, जो ही वहां पहुंचे तो उस स्त्री ने नारद जी को देख लिया, और नारद जी को देख करके क्या बोली कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्व पाप हरम परम, ऐसा साधु हे महात्मा ऐ संत देवता थोड़ा रुक जा, मेरी चिंता का निवारण करके जाओ, कोई संत ही चिंता का निवारण कर सकता है, संत ही। नारद जी ने कहा भाई पहले तो ये बताओ आप हैं कौन, तो उसने कहा अहम भक्ति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों लेते हैं जिनकी सेवा तुम कर रही है कौन है, बोले ये दोनों हमारे बेटा है पुत्र है, बोले माता 35 साल की और लड़का 100 साल के, इनके नाम क्या है,
बोले ज्ञान वैराग्य न मानव, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। ये हजारों स्त्रियां तुम्हारी सेवा कर रही, ये कौन है? बोले गंगा व्यास सहितस तथा, जो गंगा इत्यादि नदियां हैं ये सब हमारी सेवा कर रही हैं। महाराज कृपा कर, अच्छा ये बताओ संपत्ति कौन कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं संपत्ति, सब चाहते हैं संपत्ति, माने पैसा रुपया, पैसा रुपया तो नहीं मिलता है। जब हमारे पाप ज्यादा होते हैं तो हम दरिद्री हो जाते हैं। दरिद्र को दूर करने के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए बहुत सरल उपाय हम आपको आज बताते हैं, बहुत सरल उपाय बताओ, बहुत बढ़िया उपाय। और ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले श्लोक सुनाता हूं, श्लोक सुनो। तेसाम पाप सहस्त्राणी, सहस्त्राणी माने हजारों, तेसाम पाप सहस्त्राणी विलयम यान्ति तत्क्षणात् सालिग्राम शिलाग्रे तु ये प्रयच्छन्ति दीपकम्। कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है? तेसाम पाप सहस्त्राणी, उनके हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तत्क्षण, जिस समय वो दीपक सालिग्राम भगवान के पास में रखते हैं और धीरे से बजे। कितनी फायदा की बात बता रहा हूं गजानन है, और ताली देखो वैसे बजती है, बताओ क्या करें हम इनका। जयपुर की सेना बुलवाओ तो देखिए, सालिग्राम के पास में आप घी का दीपक जलाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाजारू घी का नहीं, हम लोग बड़े चालाक हो गए वह। हाँ, क्या करते हैं, बाजार से भगवान की सेवा के लिए घी लगा लेते हैं, और घर में जो है वो दो किलो जो एक किलो दूध जो आता है उसकी बढ़िया सा घी बना करके हम बाल बच्चों को खिलाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, ये अच्छी बात है। मैं भी करता था, ऐसे ही करता था पहले। मैं भी मंगा लेता, बाजार में बंदा मिल जाता है 300-400-500 रुपया में भी एक किलो मिल जाता है। लेकिन मुझे लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि उसकी इतनी दुर्गंध आती है, 8 दिन डब्बा बंद करके रख दीजिए तो फिर उसको खोलिए पैसा लगेगा, पता नहीं क्या बना इसमें। घर में बना और नहीं ये कोई बात नहीं है, आप सरसों के तेल का जला सकते हो, आप तिली का तेल का जलाएं तो क्या कहना है, मूंगफली के तेल का जला, किसी भी तेल का दीपक जलाइए, उस बाजारू घी से अच्छा है कोई। घी के दीपक से क्या होता है सो भी बता दें आप, आयु की वृद्धि होती है, तेज की वृद्धि होती है, संपत्ति का आगमन होता है। तेल के, सरसों के तेल के दीपक जलाने से क्या होता है? आयु की वृद्धि होती है, तेज की वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है। ये फायदा है, क्या है? शत्रुओं का नाश होता है ये सरसों के तेल में। तिली के तेल का दीपक में क्या फायदा है? आयु वृद्धि भी होगी और तेज वृद्धि भी होगी, सबसे ज्यादा संपत्ति की वृद्धि होगी। संपत्ति माने लक्ष्मी जी, संपत्ति की वृद्धि। लिखा है तिलार्धे भवे लक्ष्मी, तिल के तेल जलाने से घर में लक्ष्मी प्रसन्न होकर के निवास करने लगती है, निकलती नहीं। तिलार्धे भवे लक्ष्मी, लक्ष्मी। तो एक दीपक ज्यादा नहीं, तो एक दीपक भगवान के पास, सालिग्राम के पास। देखो भगवान कृष्ण वही है, देवता हमारे कितने हैं? कितने देवता हैं? 5। कौन कौन है बता सकती हूँ? अजी हम आपको बताते हैं, देखो गलती हो तो हमें बता देना। पहले हमारे देवता हैं गणेश जी, है कि नहीं? दूसरे हमारे देवता देवी जी हैं दुर्गा मैया, तीसरे हमारे हैं विष्णु भगवान, चौथे हमारे हैं सूर्य भगवान, और पांचवें देवता हमारे शंकर भगवान। ये 5 देवता हमारे मुख्य हैं।
लेकिन आपने देखा होगा इन पांचों देवताओं की पूजा विग्रह की नहीं पिंडी की होती है। पिंडी माने यही, आप देख लीजिए पहले गणेश से शुरू करिए। गणेश जी की पूजा आप विग्रह की नहीं करते हैं, किसकी करते हैं? पहले तो गाय के गोबर के बनाए जाते थे गौरी गणेश, बनते नहीं बनते थे, और अब सुपारी के पंडिलिंग, दो सुपारियों में कराल अपने एक को गणेश कह दिया, एक मतलब गौरी। पूजा किसकी होती है? पिंडी की। पिंडी क्या है? वो सुपारी। गणेश का पूजन होता है पिंडी, बिना उस पूजन के किए वो समिग्रह जो आप पूजन करने जा रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा, पिंड का फल मिलेगा। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, इसलिए पिंड का पूजन होता है। अजी दूसरा नंबर किसका? दुर्गा मैया का। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए दुर्गा जी का। तो दुर्गा जी के विग्रह की पूजन तो करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए वैष्णो देवी जाते हो क्या रखा है, पिंडी है कि नहीं है? पिंडी की पूजा होती है। आप कहीं भी जाइए दुर्गा मैया की पूजा पिंडी रूप में होती है, हैं? इसलिए पिंड की पूजा। अब नंबर तीसरा किसका आया? किसका आया? विष्णु भगवान। चलो इनको देख लीजिएगा, विष्णु भगवान कहिए, कृष्ण कहिए, राम कहिए, कुछ भी कहिए, इनकी भी पूजा किसकी होती है? पिंड। पिंड माने शालिग्राम महाराज। आप कितनी भी पूजा करें, सत्र कथा करवाते हैं तो विष्णु भगवान की फोटो लगी होती है, लेकिन पूजा किसकी होती है? शालिग्राम भगवान की। दूध में दही में सम्मी स्नान कराते हो वो सब पिंडी होती है। चौथा नंबर किसका है? चलो थोड़ी देर के सूर्य भगवान को मान लेते हैं। सूर्य भगवान आप देखिए कितनी भी पूजा करिए, लेकिन जब तक आप सूर्य भगवान के पिंड के सामने, पिंडी तो है आकृति है, कोई आकृति है केवल पिंड है, उस पिंड के सामने ही जब तक जल आप नहीं देंगे तब तक आप सूर्य को अर्घ जल का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। सूर्य भगवान के सामने करें। अब एक पांचवा देवता और रह गया, कौन है? हाँ भोले भंडारी को कहीं नहीं किया, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, उनका तो क्या है, उनके शिव पिंड की पिंडी है, उनकी शिवलिंग भगवान का है, उसका पूजन होता है। कहीं भी आप देखिए भगवान शंकर के ऊपर जो जल चढ़ेगा, पिंड पत चढ़ेगी, जो भी चढ़ेगा किस पर चढ़ाया जाता है? पिंडी। पिंडी तो है। तो शालिग्राम भगवान के सामने और पुरुषोत्तम मास हो, हरिद्वार में पूजा करवाई थी मैंने आपको, ये लोग पहुंच गए थे, ये टीकाराम बंसल और ये राजेंद्र। मैं चाहता नहीं था कि ये लोग जय भगवान राजेंद्र का ना, अच्छा राजेंद्र नहीं गए थे, जय भगवान गए थे, तो जय भगवान मुस्कुराने लगे कि गए हम थे, नाम राजेंद्र जी का आ जाता। ये भी बड़ी समस्या है थोड़ी। तो देखिए इतना आनंद आया है पुरुषोत्तम मास में, और शालिग्राम भगवान का जिसमें 650 पूजन किया जाता है, क्या आनंद। एक महीना मैं वहां रहा था और मैं जानता था ये जो मूर्ति है ये जरूर पहुंचेगी वहां। तो मैंने एक दिन पहले कागज पल्लिका में मौन रहता हूं एक महीना उसमें पुरुषोत्तम में, तो मैंने उस पुजारी से कहा, हमने कहा भैया कल वो आ रहे हैं सेठ लोग, हमको एक नया पैसा खर्च नहीं करने देंगे, है तो सेठों का ही माल हमारे पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके आने से पहले हमारा भंडारा कर दो। बोले महाराज पूरी कचौड़ी का तो मैं लिखा, आपके नहीं जो ये विद्यार्थी खाए वो इनको खिला दो, बाद बाकी वो आ रहे हैं सेठ लोगों को खिलाएंगे। वही हुआ, दूसरे दिन मामले पहुंच गए। कहने का मतलब पुरुषोत्तम मास में शालिग्राम भगवान का पूजन, मैं वादा करता हूं आपसे इस बात का, पुरुषोत्तम मास ज्यादा नहीं 5 दिन का व्रत करके देखिए, आप ज्यादा नहीं कर सकते हो, 1 महीना नहीं कर सकते हो, वैसे कठिन नहीं है। जौ का आटा तैयार करके रख लीजिए, उसमें दूसरा कोई अनाज नहीं होना चाहिए। अब क्या रहा है ये सितंबर से, माने 18 सितंबर से और 16 अक्टूबर तक पुरुषोत्तम मास है। जौ की रोटी एक बार आप खा सकते हैं शाम करके देख लीजिए। इस बार विचार भी बन रहा है, मैं तो वहीं रहूंगा एक महीना, विचार बन रहा है, भी हमारा विचार है
अब कि हम ये चाहते हैं किसी पर भार न पड़े एक पर व्यक्ति पर, और वृंदावन में कथा भी हो जाए ऐसा मैंने विचार किया है। अब ये चार जो महानुभाव हमारे भारतवर्ष में जो घुमाया है, राजेंद्र जय भगवान और वंशल जी, जीकाराम और राजकुमार, ये चारों लोगों